हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर रनिंग में है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज। इसके बाद अपन ने एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपन को मेनली न्यूक्लियस दिया जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। और न्यूक्लियस में आपके पास में कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए जिसको आगे चल के न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। तो उसी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन्स आया कैसे, इसका डिस्कवरी कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रपोज्ड बाय जेम्स चैडविक। इसने दिया था, ये जेम्स चैडविक। इन 1930 न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल, जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अपना कंप्लीट हो चुका था उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज कहा था किसने, रदरफोर्ड में। बट इसमें कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्लेन करेगा कौन, जेम्स चैडविक। इस जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम सीट ली। कौन सी ली, बेरिलियम सीट। ये अपने पास में बेरिलियम की बिल्कुल पतली सीट, राइट। इसको क्या अपन रिप्रेजेंट करें एज एटम B4-9, राइट। इस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल, और आप जानते हो अल्फा पार्टिकल को अपन किससे, 2He4, किससे, 2He4 अल्फा पार्टिकल। राइट, इस बेरिलियम सीट पर अल्फा पार्टिकल क्या की, बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट करने के बाद में यहां पर कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल या कुछ रेज क्या हुई, एलिमिनेट हुई। कुछ पार्टिकल्स आपके एलिमिनेट हुई, उन पार्टिकल्स को जेम्स चैडविक ने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। क्यों नाम दिया, दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल। क्या थे ये, न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, 6C12 प्लस N01, दीज आर द न्यूट्रॉन। क्लियर, व्हेन ऑन बेरियम सीट अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डमेंट देन सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स एंड नोटेड बाय 0 and 1। और यहां पर अपन कह सकते हैं इनका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कैलकुलेट करने के बाद में जो आया वो कितना आया, 1.675 × 10⁻²⁷ kg, जो इक्वल है इसके मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.675 × 10⁻²⁷ kg, which is equal to mass of an atom of hydrogen. Clear? अब यहां पर इसको अपन डिफाइन करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा, फिर रिपीट करते हैं। बेरिलियम सीट पर किसकी बम्बार्डमेंट हुई, अल्फा पार्टिकल्स की। देन कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स यहां पर क्या हुए, एलिमिनेट हुए। उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन्स कहेंगे। क्लियर, इन न्यूट्रॉन्स में का
आपका जो मास है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.675 × 10⁻²⁷ केजी, जो किसके इक्वल है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब ये भी क्या है आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ, क्या हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है न्यूट्रल, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इस पे, बात क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब बात किसकी करें अपन न्यूट्रॉन की, इसको अगर अपन डिफाइन करें इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव मास इज 1.675 × 10⁻²⁷ केजी विच इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड कैरिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज, एंड कैरिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, क्लियर। अब कह सकते हैं दस एन एटम हैव थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल वो कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब क्लियर हो गया एटम के पास में कितने फंडामेंटल पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है, थ्री, देर आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसके बाद अपने पास अब नया टॉपिक इससे रिगार्डिंग आएगा अपने पास में, जहां पर अपन अब पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर की बात करेंगे, तो अपना इसी क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एटॉमिक नंबर, इसकी बात करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में कौन सा एटॉमिक नंबर, इसकी बात करेंगे अपन एटॉमिक नंबर, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो यहां पर अगर अपन इसको डिफाइन करें एटॉमिक नंबर को, अगर अपन डिफाइन करें इट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या ये इट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये आपका क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अपन क्या कहेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। तो कोई भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही क्या है उसका एटॉमिक नंबर, बट इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कह सकते हैं एज ए न्यूमरिकली, इसी बात करें अपन न्यूमरिकली, अगर बात करें न्यूमरिकली रिप्रेजेंट, न्यूमरिकली रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, क्लियर।
अब जेड को अगर अपन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या कहेंगे, एज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो अपन यहां पे कहेंगे एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कहेंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या कहेंगे अपन न्यूक्लियर चार्ज, क्या कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज जो पॉजिटिव होता है। और वी नो डेट जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होगा या कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो अपने पास ये कह सकते हैं जेड इक्वल टू प्रोटॉन, राइट, और अपने पास में यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड इक्वल टू क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एटॉमिक नंबर को यहां पर अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब आता है आपका कौन सा मास नंबर, इसकी बात आती है आपकी मास नंबर की बात आती है, देखिए बेटा मास नंबर, मास नंबर को अपन यहां लिखेंगे किससे, ऐसे, तो लिखेंगे बेटा ऐसे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, क्लियर। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंट बाई ए, इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास नंबर के इक्वल होगा, बात क्लियर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहां से अगर अपन क्या करना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे, ए माइनस पी, ए माइनस पी, और प्रोटॉन किस इक्वल होते हैं, जेड इक्वल होंगे और ई के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से अपन क्या करेंगे, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो अपने पास में यहां पर तीन चीजें क्लियर होगी बेटा, जेड क्लियर हो गया जो क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, आपका ए क्लियर हो गया जो क्या है आपका एटॉमिक मास है, बात क्लियर है, और आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो गया प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन के नंबर हो गए, क्लियर। अब अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ एन एटम, क्या बात करेंगे, रिप्रेजेंट ऑफ एन एटम, जैसे अपने पास में कोई भी ये एक्स एटम है, राइट, इस एक्स एटम के आपके लेफ्ट साइड में जेड को रिप्रेजेंट करेंगे और अप साइड में आपको ए को रिप्रेजेंट करेंगे, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर, ए क्या है आपका एटॉमिक मास, ए क्या है आपका एटॉमिक मास, क्लियर। फॉर एग्जांपल बात करें अपन इस तरीके से कार्बन है,
कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 6, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12, फिर आपका नाइट्रोजन है इसका कितना है आपका 7, एटॉमिक मास कितना है इसका 14, इसे ऑक्सीजन है इसे कितना है आपका 8 और एटॉमिक मास कितना है आपका 16। इस तरीके से अपन एटम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर सपोज सल्फर 16 32, आपके लिए क्वेश्चन है सल्फर 16 32 के लिए आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जेड चारों चीज आप इसमें कैलकुलेट करो और ए कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है, ये आपके लिए HW है, ये आपको करना क्लियर। तो आज की क्लास में अपन ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी डिस्कस की, उसके बाद अपन ने एटॉमिक नंबर डिस्कस किया, फिर एटॉमिक मास डिस्कस किया। तो यहां से अब गिवन एटम के लिए अपन यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब अपन क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर एटम के लिए अगर वो इस स्टेट में गिवन है, आपको इस स्टेट में गिवन है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।